हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वाला पोर्शन हमारा चल रहा है। इसका थर्ड पार्ट आज हम करने वाले हैं। दो वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं इसके, अगर आप नहीं देखा देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 91 क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 आपसे पूछा गया है, अल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू। जो अल्गोरिथम और फ्लो चार्ट होते हैं वो किस तरह से हमारी मदद करते हैं, तो किस तरह से हमारी मदद करते हैं। स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कम्प्लीटली एंड क्लियरली, ये समस्या को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज दैट स्टोरेज इज दैट। कह रहे हैं मेमोरी स्टोरेज में क्या डिफरेंस है, मेमोरी क्या होती है और स्टोरेज क्या होता है। तो मेमोरी टेम्परेरी, मेमोरी क्या होती है, टेम्परेरी होती है, और स्टोरेज है वो परमानेंट होता है। ठीक है, मेमोरी अस्थाई होती है और स्टोरेज स्थाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटेड प्रोग्राम विच। कंपाइलर एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है जो कि क्या है, ही ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम जो भी उच्च स्तरीय, मतलब जो भी हाई लेवल के प्रोग्राम होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, निर्दिष्ट का मशीन भाषा में अनुवाद करता है। ठीक है, हाई लेवल के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करता है। सेकेंड है, ये सही है आपका। सेकेंड में ट्रांसलेट इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, ये पूरे सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है, ये बात भी सही है। थर्ड वाले में, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में ये इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तीनों ही आपके सही है, तो आप इसमें लगाएंगे ऑल ऑफ अबव। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर, कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन से या कितने होते हैं। तो मुख्य पार्ट इसके 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, तथा कम्युनिकेशन डिवाइस। तो ये आपके कितने हो गए, 6 पार्ट हो। तो आपको सारे 6 पार्ट पता होने चाहिए, सीपीयू, इनपुट आउटपुट, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइस, ये आपके 6 पार्ट होते हैं जो मेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूज अ सेंट्रल कंप्यूटर एट अ सेम टाइम। कह रहे हैं कि जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में एक केंद्रीय कंप्यूटर को उपयोग करते हैं तो क्या आवश्यक होता है, तो किस चीज की आवश्यकता होती है, तो एक टर्मिनल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, टर्मिनल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को स्टोर करने के लिए पहला कंप्यूटर कौन सा था, ये आपका पहला कंप्यूटर कौन सा था, एटसेक जो है ये पहला कंप्यूटर था प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। ठीक है, एटसेक प्रोग्राम स्टोर करने के लिए पहला कंप्यूटर था, और इसका ये कब आया था, 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज यूकेस प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट कॉल्ड। कह रहे हैं यूके का मुख्य कंप्यूटिंग कार्यक्रम किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो किस वर्ष आयोजित किया गया था, ये 1980 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 1980 में से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following term is not related to computer? कौन सी टर्म कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो सीपीयू कंप्यूटर से संबंधित है, आपको पता ही है, मदरबोर्ड भी संबंधित है, हार्ड डिस्क भी संबंधित है, तो क्या संबंधित नहीं होगा, एरिथ्रोसाइट्स ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस यू लोड, कह रहे हैं कि नेक्स्ट कंप्यूटर में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, वंस यू लोड अ सुटेबल प्रोग्राम, एक बार आप किसी सुटेबल प्रोग्राम को लोड कर देते हैं,
एंड प्रोग्राम रिक्वायर्ड डेटा, और प्रोग्राम ये प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा, जो भी डेटा की आवश्यकता होती है वो आप प्रोवाइड करा देते हैं। कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इन्वेंशन, और कंप्यूटर को ह्यूमन इन्वेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। दिस फीचर इज नोन एज, ये फीचर क्या कहलाता है, ये फीचर ऑटोमेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑटोमेटिक फीचर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बाइट कंसिस्ट ऑफ, एक बाइट रखती है, क्या रखती है, 8 बिट को, ठीक है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो एक बाइट 8 बिट को रखती है, 8 बिट्स को रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं लेकिन वो क्या नहीं है, तो वो क्या नहीं है, अचूक नहीं है, इनफेलिबल नहीं है, ठीक है, इनफेलिबल ये नहीं है, अचूक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर फील्ड यूज आर आल्सो नोन इन कंप्यूटर फील्ड, कंप्यूटर फील्ड के अंदर यूजर आर आल्सो नोन है, यूजर क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर फील्ड के अंदर यूजर क्या है, ह्यूमन वेयर है, यूजर क्या है, ह्यूमन वेयर होता है। कंप्यूटर क्षेत्र के अंदर ह्यूमन यानी कि मानव को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन एक्सेप्ट डेटा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डेटा को एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस डेटा और डेटा को प्रोसेस करती है, एंड जनरेट आउटपुट और आउटपुट जनरेट करती है, एंड स्टोर द रिजल्ट और रिजल्ट को स्टोर करती है फ्यूचर यूज के लिए, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर इन इनकरेक्ट, कंप्यूटर के मामले में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है, जो सही है वह तो आप देख ही लीजिए, जैसे कि इन अ लॉजिकल मशीन एंड प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट तो सही है कि एक लॉजिकल मशीन है और ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, ठीक है, इट सेकेंड है, इट कैन एक्सेस वाट एवर इन्फॉर्मेशन इट हैज स्टोर, जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी वो इसे एक्सेस करेगी, ये बात भी सही है, ठीक है। सी में, इट इज नो इमोशन, इसके अंदर इमोशन नहीं होते, ये बात भी सही है, इट हैज नो फीलिंग, इसके अंदर फीलिंग भी नहीं होती, ये बात भी सही है, डिजायर ऑफ इट्स ऑन, ठीक है, इसकी अपनी कोई डिजायर आवश्यकता भी नहीं है, ये बात भी सही है, ठीक है, तो ये आपके तीनों को सही है, तो गलत कौन सा होगा इसमें, इट एक्सेस अ इन्फॉर्मेशन इन अ अंडर रिस्ट्रिक्टेड मैनर, तो ये बात तो गलत है, इसको कोई समझ तो होती नहीं है, ठीक है, तो ये आपका डी वाला गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर आर आइदर और, ठीक है, कह रहे हैं कि सभी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट आर आइदर और, ये क्या होंगे, ये आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होंगे, कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट हैं वो या तो हार्डवेयर होंगे या सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड वेबिज कंसीव ऑफ द एनालिटिकल इंजन, कह रहे हैं कि वेबिज ने एनालिटिकल इंजन की कल्पना कब की थी, ठीक है, व्हेन डिड वेबिज कंसीव ऑफ एनालिटिकल इंजन, इन्होंने कब एनालिटिकल इंजन की कल्पना की थी, तो इन्होंने 1933-34 में इसकी कल्पना की थी, ठीक है, 1934 की तारीख थी जब इन्होंने एनालिटिकल इंजन की कल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही या सी इज जस्ट एबल टू, कह रहे हैं कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वे कंप्यूटर को केवल क्या कर सकता है, वो कंप्यूटर को रन नीड बेस एप्लीकेशन, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, जब वो आवश्यक, अगर कोई आवश्यक एप्लीकेशन कंप्यूटर के चला सकता है तो वो कंप्यूटर साक्षर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश सो हाउ ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स आर लाइक्ड टू गेदर एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कह रहे हैं एक डैश दिखता है, क्या दिखता है, कि कैसे परिचालन युक्तों को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को
कार्यात्मक इकाई बनाने में योग्यता रखता है, ठीक है, योगदान देता है। तो ये आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सो हाउ ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टुगेदर, ये बताता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह से कंप्यूटर के एट्रीब्यूट जो ऑपरेशनल एट्रीब्यूट है एक दूसरे से लिंक हुए हैं और कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स, और वो अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान कंप्यूटर को दे रहे हैं। नेक्स्ट है ए डैश इज द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या होगा? कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगा। एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है, ठीक है, एंड फंडामेंटल यानी कि बेसिक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एंड स्टोरेज इन अ डैश फ्रॉम विच दे आर हैश्ड डिकोड एंड एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू, ठीक है। क्या तो ये क्या होगा? ये मेमोरी होगा, ठीक है। कह रहे हैं प्रोग्राम के निर्दिष्टों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश में संग्रहित किया गया है। इसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त कोडिंग और निष्पादित किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो मेमोरी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शन अबाउट बूटिंग, तो इंस्ट्रक्शन है बूटिंग के बारे में। योर सिस्टम आर स्टोर्ड, आपका सिस्टम स्टोर करता है, तो ये बायोज में स्टोर होते हैं, ठीक है। जो बूटिंग के इंस्ट्रक्शन होते हैं वो किसमें स्टोर होते हैं? बूटिंग वाले इंस्ट्रक्शन आपके बायोज में स्टोर होते हैं, ठीक है। बायोज का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बायोज का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस में किया जाता है। बायोज को रोम में स्टोर किया जाता है तथा जैसे ही कंप्यूटर चलाया जाता है या ऑन किया जाता है तो बायोज सबसे पहले सभी हार्डवेयर डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। इसके बाद में वो कंप्यूटर मेमोरी में अपलोडिंग सिस्टम को लोड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मेमोरी के अंदर लोड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू डैश बाय प्रोसेसर, जो कंप्यूटर है वो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करता है डैश बाय प्रोसेसर के द्वारा। तो ये क्या हो सकता है? डेटा हो सकता है, ठीक है। डेटा को ये प्रोसेसर के द्वारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर डेटा क्या कहलाता है? तो ये आपका गिवन इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? दी हुई इंफॉर्मेशन होती है। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो गिवन इंफॉर्मेशन कहलाती है। इंफॉर्मेशन आपकी किस किस फॉर्म में हो सकती है? टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है, इमेज फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो या फिर कोई सॉफ्टवेयर फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल ऑफ द बायोज, बायोज के बारे में कौन सा सही है? तो बायोज के बारे में क्या सही है? बायोज जो है वो एक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोज आपका होता है। बायोज क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट फॉर्म इज अ डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने का फॉर्म क्या है, ठीक है। डेटा को कंप्यूटर में स्टोर कैसे करते हैं? तो बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर केवल मशीन भाषा ही समझ सकता है। इसकी कोडिंग बाइनरी लैंग्वेज में की जाती है जो कि 0 और 1 फॉर्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डिनोट इनकम्प्लीट फैक्ट व्हेयरएज इन डैश द डेटा बिकम्स मीनिंगफुल, ठीक है। कह रहे हैं डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है कंप्लीट जो फैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक तो डेटा होगा आपका, ठीक है। डेटा डिनोट करता है, डेटा इनकम्प्लीट फैक्ट होते हैं, ठीक है। डेटा को रॉ मटेरियल कहा जाता है। डेटा इनकम्प्लीट फैक्ट होते हैं वेयरेज, और ये क्या करते हैं? ये जब कंप्यूटर को रॉ डेटा दिया जाता है तो ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर कन्वर्ट कर देता है। तो
तो वी आर एज इन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन द डेटा बिकम्स मीनिंगफुल, डेटा जो है इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फॉर्म डस अल्फा न्यूमेरिक, कह रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक जो डेटा होता है जनरली टेक इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यता क्या रूप लेता है, तो क्या रूप लेता है ये नंबर एंड अल्फाबेटिकल करेक्टर, क्या लेता है नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर्स को लेता है, ठीक है नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा, नॉन न्यूमेरिक डेटा का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है तो इनमें से तो कोई भी नहीं है तो नॉन ऑफ अबव हो जाएगा। नॉन न्यूमेरिकल डेटा ऐसा डेटा होता है जो न्यूमेरिक नंबर यानी कि 0 to 9 का उपयोग नहीं करता है, ठीक है न्यूमेरिकल डेटा केवल 0 to 9 का उपयोग करता है। नॉन न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है जो आपके अल्फाबेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर किस रूप में स्टोर होती है तो ये आपका डिजिटल फॉर्म में स्टोर होती है, डिजिटल डेटा के फॉर्म में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर चिप, ठीक है कहने कंप्यूटर चिप के निर्माण के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है कंप्यूटर विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर चिप को बनाने के लिए सिलिकॉन मटेरियल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ वर्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर वर्ड की साइज होती है तो क्या साइज होती है फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर वर्ड डिफरेंट इन डिफरेंट कंप्यूटर, ठीक है ये एक कंप्यूटर में निश्चित है, अगर एक कंप्यूटर में तो निश्चित होती है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच विभिन्न होती है, अलग अलग कंप्यूटरों में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस इज नोन एज, प्रोसेस्ड क्या है प्रोसेस डेटा इज नोन एज, प्रोसेस डेटा क्या होता है तो ये आपका इंफॉर्मेशन होती है, प्रोसेस डेटा क्या होता है इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में जो स्टेटमेंट है उनके बारे में आपको बताना है तो क्या स्टेटमेंट सही हो सकते हैं आपके, तो ये आपका पहला वाला स्टेटमेंट क्या है डिवाइस दैट आर यूज इंटायर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, तो सही है तो डिवाइस है वो पूरे ही डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है। दूसरा है द डिवाइस यूज टू प्रेजेंट द रिजल्ट ऑब्टेंड फ्रॉम कंप्यूटर टू यूजर, कह रहे हैं वे डिवाइसेज जिनका उपयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को यूजर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मेमोरी यूनिट इन अ इनकॉर्पोरेटेड टू स्टोर अ इनपुट इंटायर थ्रू अ इनपुट यूनिट बिफोर प्रोसेसिंग स्टार्ट, कह रहे हैं मेमोरी यूनिट जो होती है इसमें प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले इनपुट यूनिट के माध्यम से दर्ज किए गए इनपुट को स्टोर किया जाता है, तो ये बात भी सही है, ठीक है तो आपकी ये तो सही है। फोर्थ भी देख लीजिए आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इट इज अ हार्डवेयर विद इन अ कंप्यूटर दैट कैरीड आउट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कह रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर यह एक कंप्यूटर के भीतर का हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को क्रियान्वित करता है, ठीक है तो ये सारे आपके सही हैं तो आप इसमें डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये एक पेरिफेरल डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जितनी मशीनरी हैं और इक्विपमेंट हैं अब कंप्यूटर इज कॉल्ड वो क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर के लिए वो हार्डवेयर कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द
द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इन अ कन्वर्ट डेटा इनटू, जो बेसिक गोल होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर प्रोसेसर का, वो डेटा को कन्वर्ट करना होता है किसमें, इंफॉर्मेशन में, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना ही कंप्यूटर का बेसिक गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डवेयर नॉट सॉफ्टवेयर, कौन सा हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कंट्रोल यूनिट जो आपका है ये हार्डवेयर तो है पर ये सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाटा कन्वर्टेड इंटू मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म इज कॉल्ड, डेटा जो ज़्यादा समझदारी फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो क्या कहलाता है, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहा जाता है, ये इसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर, इसमें से कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सा नहीं है। तो जो एक्सेल है वो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, जबकि माउस, मॉनिटर और प्रिंटर ये कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। चलिए इस वीडियो को ये रखते हैं, इसके इसे आगे के क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।